वात्सल्य प्रेम मां स्वरूपा जिन्होंने इस देश में नहीं देश के बाहर भी कई देशों के अंदर भारतीय आध्यात्मिक धर्म संस्कृति सेवा समर्पण के कार्यों से मां स्वरूपा के रूप में सबको स्नेह दिया वात्सल्य दिया ऐसे गुरु मां विक्रम जी को मैं प्रणाम करता हूं। स्वामी परमानंद जी के आशीर्वाद से ये वात्सल्य धाम लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने सही बताया कि जहां नर सेवा होती है वहां नारायण विराजते हैं। और ये धरती तो आध्यात्मिक धर्म की धरती तो है सही, लेकिन धरती का ऐसा प्रभाव रहता है जो भी यहां पर आता है उस धरती के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण के विचार चिंतन उनके उपदेश उनके ज्ञान से प्रेरणा भी लेता है और उनमें चुनौतियों से लड़ने का नैतिक साहस भी होता है। माने देश के अलग अलग राज्यों के अंदर भी इसी तरीके से अपने जीवन को समाज के वंचित गरीब अभाव और जिनका कोई नहीं हो उनकी मां रितम्रा है ऐसा प्रभाव हम सबको मिलता है। मानवीय सेवा के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक धर्म से उसको जीने की राह मिले उसका नैतिक चरित्र बने ऐसा समाज का निर्माण हो जहां सत्य हो नैतिकता हो साहस हो जहां आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से सबके कल्याण की भावना जागृत हो उसके लिए भी माने देश के अलग अलग राज्य गांव ढाणी और देश के बाहर भी अपने आध्यात्मिक प्रवचनों से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया। मुझे बहुत सालों से मेरा यहां आने का प्रयास था। डॉक्टर अग्रवाल साहब जो खुद भी सेवा की मूर्ति हैं, हर जगह जहां भी देखता हूं, मैं बंबई गया तो बंबई में भी पूरा परिवार सेवा के लगा, जहां उनको सेवा का कार्य मिल जाता है वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। आज मैं देख रहा हूं 25 साल के अंदर मां के आशीर्वाद से उनकी प्रेरणा से कितने ही लोगों की आंखों की रोशनी बचाने का पुण्य काम किया। मुझे पता है कि दूर दराज के गांव में कई बार धन के अभाव में जानकारी के अभाव में कई लोगों की आंखों की रोशनी चल जाती है।
और कई लोगों को जब आंखों की अंतिम क्षण होता है कि रोशनी बच नहीं सकती, उस समय वो डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं अचानक कोटा में जब नित्य दिवस होता था एक हॉस्पिटल में गया, तो वहां पर एक डॉक्टर मिल गए मुझे। तो मैंने कहा कैसे आए हो, कि उन्हें कि मेरे पिताजी को दिखाने आया हूं। तो उसने बताया कि मैं डॉक्टर हूं, अगर मेरे पिताजी को मैं अगर 6 महीने और आंखें नहीं दिखाता तो उनकी आंखों की रोशनी चल जाती। तो मां के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से डॉक्टर अग्रवाल साहब ने 25 वर्षों तक यहां लगातार कई लोगों की आंखों की रोशनी बचाने का जो पुण्य काम किया, इसके लिए डॉक्टर अग्रवाल उनकी पूरी टीम को भी मैं साधुवाद देता हूं। और मां के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता कि मां ने हर वह काम, हर पुनीत वह काम जो समाज में आज की आवश्यकता है, बच्चों को मां की तरफ पालना, वात्सल्य देना, संस्कृति देना, उनको बड़ा होकर देश राष्ट्र के लिए समर्पित भाव की प्रेरणा देना, जिनका कोई नहीं हो उनकी विवाह शादी करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं। उनको जहां भी समाज में अभाव दिखता है, उन अभावों को कैसे समाज के सहयोग से पूरा किया जा सकता है, मां ने अपने जीवन को समर्पित कर रखा है। हम सब मां के चरणों में प्रणाम करते हैं, आपका आशीर्वाद इसी तरीके से बना रहे, आपके प्रवचन से, आपके ज्ञान से, आपकी शक्ति से समाज के अंदर जीने की राह भी बने, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर समाज तैयार हो। क्योंकि आज सबसे बड़ी चिंता है कि धन हो सकता है, सेवा भी हो सकती है, लेकिन अगर समाज नैतिक और सत्य पे आधारित समाज तैयार नहीं होगा तो हम देश को वैभव पर नहीं पहुंचा सकते। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हम लोगों में सत्य, नैतिकता, चरित्रवान, देशभक्त समाज को तैयार करें। आज मुझे खुशी है कि भारत आप जैसे आध्यात्मिक गुरुओं के कारण आज विश्व में नेतृत्व कर रहा है। हमारी इसी संस्कृति, इसी संस्कार के कारण आपका ऐसे ही समाज को प्रेरणा मिलती रहे, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसा ही वात्सल्य प्रेम मिलता रहे, ऐसे ही मां के रूप में आपका आशीर्वाद मिलता रहे। क्योंकि नववार्ता का पर्व चल रहा है और नववार्ता के पर्व में मां का वात्सल्य, संवेदना, प्रेम, नैतिकता ये तो मां के दरबार में मिलती है और शश्वत मां यहां विराज भी है, ये सब हमें यहां पर मिलता है। और उसके साथ साथ समाज में जब अत्याचार, अन्याय हो तो अन्याय अत्याचार के खिलाफ भी मां समय समय पर ऐसे समाज का निर्माण करती है जो अन्याय अत्याचार से लड़ सके। मैं पुनः मां के चरणों में शश्वत नमन करता हूं और सभी लोगों को, मंच विराजित सभी लोगों को, फिर आप पधारे उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद।